बहुत स्वागत है जी सारियां दा। मैं हाँ सुरेंद्र डल्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज दे इस प्रोग्राम दे विच करनी है। जसमीत भाटिया जी जिहड़े कि लैंडमार्क इमीग्रेशन दे चीफ ने साडे नाल मौजूद ने। IRCC दे वैबिनार तो बाद कई तरह दे नवे नवे आंसर्स ने जिहड़े ओह मिले ने और जसमीत जी दी टीम ने और जसमीत जी ने वैबिनार अटेंड कीते ने। बहुत सारिया नवीं गल्लां ने इस वैबिनार चों निकल के आईया ने। उन्हां दा फायदा चकते हुए नवे स्टूडेंट्स लई और रिफ्यूज स्टूडेंट्स दे लई कई तरह दियाँ फाइल अप्लाई करने वेले गल्लां दा ध्यान रखने की लोड़ है। हुण जदों रिफ्यूज स्टूडेंट्स ने दोबारा अप्लाई करना है तो IRCC दे वैबिनार च जिहड़ियां रिकमेंडेशनस ने उन्हां नूं फॉलो किवें करना है तो रिकमेंडेशनस की ने मोटिया मोटिया ये सारा विषय है ताकि जे दोबारा फाइल लाऊं तो रिफ्यूज़ ना हो। जसमीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जसमीत जी। चंगियां फाइलां गल समझ आउंदी है। कोविड सी, लॉकडाउन सी, बहुत ज़्यादा प्रैशर सी हाई कमीशन ते और कुछ कितना कितने टैक्नीकल एरर्स भी सी, बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल आ गई पर हुण गाइडलाइनज़ नूं फॉलो करते हुए किहड़ियां मेन गल्लां ने जिन्हां दा तुसीं चाहुंदे हो कि स्टूडेंट ख्याल रखण या तुसीं ख्याल रखोगे ताकि दोबारा स्टूडेंट रिफ्यूज़ ना होण और जिहड़े भी स्टूडेंट रिफ्यूज़ ने किसी भी कंसल्टेंट कोलों जरूर लैंडमार्क इमीग्रेशन नाल अपॉइंटमेंट बनाओ। जसमीत जी नूं परसनली मिलो क्योंकि रिफ्यूजल वाले केसिस लई बहुत अटेंशन की जरूरत है रीफाइलिंग के लिए। जसमीत जी हुण रीफाइलिंग होनी किवें है? सिर्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों से कल डिस्कशन हुई वैबिनार्स से और कुछ बरीकी दे पॉइंट्स जिहड़े कि हाई कमिश्नर ने शेयर किए वैबिनार राही। सो स्टूडेंट्स पहला तो असी जो भी कैनेडा की फाइल लगानी होंगी सी असी देखते सी कि साडा दोस्त टोरोंटो जा रहा है और मैं उहदे नाल फाइल लगा दा, मेरी सिस्टर स्कारबरो रहिंदी है मैं उत्थे फाइल लगा दा, मेरे रिश्तेदार वैंकूवर च हैं मैं उत्थे फाइल लगा दा। बट आपां कदी ये नहीं असैस किया कि मेरी परसेंटेज किन्नी है। जे मेरी परसेंटेज 50% है 52% है तो मैं कित्थे फाइल एलिजिबिलिटी मेरी बनती है, क्यों मैनू वीज़ा रिफ्यूजल आता है। अज की डेट से जरूर 7 बैंड वाला बच्चा, मैं तला जी कहना कि 7 बैंड वाला बच्चा, 7.5 बैंड वाला बच्चा रिफ्यूजल लै रहा, बट दूजे पास वो परसेंटेज 52% से। कल मेरी इदा की एक प्रोफाइल ने डिस्कशन हुई और शहर वैंकूवर चूज़ कर रहा। सो जदों साड़ी प्रोफाइल च किते ना किते कुछ कमी है तो असं उन्हें इंप्रूव किवें कर सकते हैं। सो ये चीज़ा स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं और दूजा स्टूडेंट फिर SDS केस 7 बैंड बट 56% मैं सैनिका कॉलेज चूज़ किया जिहदी रिक्वायरमेंट बड़ी हाई है जिते ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चे जा रहे। सो इदा दियाँ प्रोफाइल्स मेरे नाल बिल्कुल डिस्कस हो रही हैं। यस तुहाड़ी परसेंटेज 70% सी, साढ़े 7 बैंड सी, तुहानू रिफ्यूजल आ गई, दैट इज़ नॉट अ गुड पॉइंट। बट जे तुहाड़ी प्रोफाइल कितें वीक सी एंड फिर भी तुसी मेन शहर चूज़ कर रहे हो सो कितें ना कितें असैसमेंट की कमी है। सैकेंड पॉइंट, सपोज तुहाड़ी परसेंटेज 70% है 80% है बट बैंड एक 5.5 सी, फ्रेंड ने भी टोरोंटो लाया, मैं भी टोरोंटो लाता, ठीक है, मिसिसागा सी चॉइस मेरी, मैं भी मिसिसागा लाता। सो पहला तो सारे स्टूडेंट्स नूं या उन्हां दे पेरेंट्स नूं ये समझन की लोड़ है जिहड़ा आपां नूं वीज़ा मिल रहा ना वो कैनेडा का मिल रहा, टोरोंटो वैंकूवर का नहीं मिल रहा। सो कैनेडा का वीज़ा मिल रहा, कैनेडा ने पहला भी बहुत सारे इदा के शहर शॉर्टलिस्ट किए जिथे उन्होंने पॉपुलेशन की लोड़ है बट फिर भी असी इग्नोरेंट हाँ उन्होंने चीज़ों तो, असी बहुत बारे डिस्कस कीतियां वो चीज़ा फिर भी स्टूडेंट्स इन चीज़ों तो इग्नोरेंट है। हुण असी थोड़े दिन पहला एक शो किया कि 10 कॉलेज इदा के जिन्हें च बहुत घट बच्चे जाते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया टफ है बट स्टूडेंट चूज़ नहीं करते, बहुत सोहने सोहने शहरों से है। देखो जिहड़े शहर की पॉपुलेशन जे 500 भी हैगी है दला जी तो उत्थे स्कूल है, उत्थे मॉल है, उत्थे डॉक्टर है, उत्थे हॉस्पिटल है, उत्थे पोस्टमैन है, उत्थे फायर सर्विसेज है, उत्थे सारी फैसिलिटी है। मैं तो हैरान हाँ, एक आइलैंड है की कहिंदे आ की कहिंदे आ और ओंटारियो तो जो असीं मॉन्ट्रियल ट्रैवल करते हैं एक जगह हैगी है 1000 आइलैंड जी, ठीक है, उत्थे 1000 आइलैंड इदां दा नाम है कि छोटे छोटे आइलैंड्स के उत्ते लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। उत्थे वो आइलैंड दे बाहर भी पोस्ट जिहड़ा पोस्टमैन का एक नंबर लगा होया, पोस्ट बॉक्स नंबर दिता होया आइलैंड ते, आइलैंड ते जी। सो स्टूडेंट्स की कहिंदे हैं कैनेडा जे किसी शहर च 500 बंदा भी रहिंदा ना तां वी तुहानू जॉब मिलेगी उत्थे, बट 500 कोई भी शहर च नहीं रहिंदा,
जिहड़े टाउनज है उन्हां दी पापूलेशन 10 तो 15,000 हैगी है। और मैं तुहानू रियालिटी दसा तो 10 तो 15,000 वाले शहर च सैटल होना सौखा है, ना कि जिहड़ी पापूलेशन जिथे 30-35 लाख है ऑलरेडी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है उत्थे सैटल होना सौखा है। सो स्टूडेंट्स, लैट्स असैस योर प्रोफाइल इन अ राइट वे। लैट्स नॉट जस्ट फोकस कि मेरा SDS केस सी और मैनू वीज़ा मिलना ही मिलना। नो, ये चीज़ा हूँ मैटर करनगियां कि कंसल्टेंट ते भी मैटर करेगा, तुहाडे ते भी मैटर करेगा कि तुसी अपना ओपन माइंड कर लिया कि नहीं कर रहे। आपां बड़े रिजिड हाँ, स्टूडेंट्स हले भी सर बड़े रिजिड है, बट जो कल का वैबीनार होया उत्थों बहुत सारिया गल्लां निकल के सामने आईया। बिल्कुल ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट गल्लां ने जिहड़ियां वो लगातार जसमीत जी दे नाल इस वक्त चल रही ने। जसमीत जी ये नाल नाल ये भी मैं जरूर चाहूँगा, जिहड़े स्टूडेंट रिफ्यूज़ ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन्हां दी आयल्स खत्म हो गई, वो आयल्स कर रहे हैं, जिन्हां दी आयल्स अजे खत्म नहीं हुई, कि यह संभव है अगर उन्होंने 1 चो 5.5 है अगर वो रीफाइल करते हैं तो वो हुण भी अपनी उस पुरानी आयल्स नूं इंप्रूव कर सकते हैं? सो सपोज 1 च 5.5 बैंड है, तुसी 1 मॉड्यूल इंप्रूव करना चाहते हो, बिल्कुल इंप्रूव करो, बिल्कुल इंप्रूव करो। इंप्रूव करके आप फाइल लवेंगे, दैट मीनस वी आर डूइंग सम चेंजेस इन आर फाइल। परसेंटेज असं इंप्रूव नहीं कर सकते, बट आईलेट्स असं इंप्रूव कर सकते हैं। बट 1 च 5.5 बैंड है, गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन दे रहे हैं, किसी ऐसे शहर च असं फाइल लगा रहे हैं जिथे ऑलरेडी स्टूडेंट्स घट जा रहे हैं, वीजा चांस हैगे हैं। सो कल दे वेबिनार च ये भी चीज़ आया कि SDS नॉन SDS इज एक्सैप्टेबल, जो सानू बार बार मैं इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए करना कि मैनू थोड़ा जहा डाउट हो रहा है कि शायद कि कहते हैं कोई पॉलिसी चेंज हो जाए कैनेडा तो, या कोई बैंड रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नूं वीज़ा मिले, बट इदा का केस नहीं है, इदा का केस नहीं है। सो SDS नॉन SDS बारे डिस्कशन हुई, PTE वाले TOEFL वाले नॉन SDS कैटेगरी अप्लाई कर सकते हैं। सो SDS नॉन SDS कैटेगरी इज स्टिल ओपन, यू कैन अप्लाई योर केस, एंड जो तुसी अपना केस लगवाना है तो अपनी SOP खुद बनाओ, दैट विल बी बैटर फॉर यू। एक तुहानू कंसल्टेंट की हैल्प चाहिए है, एवरी कंसल्टेंट विल हैल्प यू, बट अपना जिहड़ा कि कहिंदे आ SOP है वो बहुत ओरिजिनल तरीके बनाओ, चाहे इंग्लिश सही हो ही ना हो बट उसकी SOP ओरिजिनैलिटी होएगी तो बैटर है। बिल्कुल ठीक है, SOP भी बहुत अच्छी होनी चाहिए है। जसमीत जी इस बार तो रिफ्यूजल बहुत वड्डियां आई हैं, कारण समझ आ गए कि लॉकडाउन भी सी, ओवर फाइलिंग सी, बहुत ज़्यादा फाइलां हो चुकिया सी। हुण इस बार तुहानू की लगता है कि हुण जदों रीफाइल करनगे स्टूडेंट साढ़े, इस बार सक्सैस रेट किन्ना रह सकता जनवरी इनटेक का? सो तुसीं देखो कुछ चीज़ां की कहिंदे आ रिफ्यूजल बारे असीं बड़ी डिस्कशन कर चुके हैं कि बहुत सारे इदा के रीज़न हो सकते हैं जिन्हां कर कारणा करके रिफ्यूजल्स आईआं, बट जिहड़े आउण वाले इनटेक्स हैगे आ हले उन्हां बारे की कहिंदे देखना कि किदां दा सक्सैस रेट रहेगा, किदां दा सक्सैस रेट नहीं रहेगा, हले बहुत जल्दी है कि जिहड़े स्टूडेंट हले जिन्हां नूं वीज़ा स्टैम्प्ड है जदों तक वो बच्चे सारे कैनेडा नहीं पहुँच जाते तद तक मैनू लगता है कि थोड़ा जहा कैनेडा सरकार बैकफुट पर रहेगी। तुम समझ रहे हो कि 1 लाख बच्चा हले इंडिया च है जिसे कोई PPR है, पासपोर्ट स्टैम्प्ड है, उन्हें कैनेडा जाना है, 2.5 तो 3 महीने का समा लगना है वो कैनेडा जाने। सो तुम एक सेंटीमेंट समझो कि पिछली बारी जो 8 बच्चों चो जो 60-65 हज़ार बच्चा पहुँचे अपना 2 महीने च मार्च अप्रैल च, 8 बच्चों चो 1 बच्चा पॉजिटिव से। सो भी वो चीज़ को देखद्या होया उन्हां दी सरकारां जो स्टैप्स लै रही हैं, मैनूं लगता है कि वो थोड़ा जहा बैकफुट पर लै रही हैं। सो इस चीज़ को देखद्या होया थोड़ा जहा स्टूडेंट्स नूं जिन्हां नूं रिफ्यूजल आई है, आई फील कि दे शुड डेफर एंड रीफाइल, दे शुड नॉट रीफाइल इमीजिएटली। अपनी फाइल में डॉक्यूमेंट्स इंप्रूव करो कि वॉट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आई कैन इंप्रूव इन माई फाइल, एंड दैन ओनली रीफाइल, डू नॉट रीफाइल इमीजिएटली। बट जनवरी इनटेक तक मैंने लगता कि सुधार बहुत ज़्यादा आएगा और आने वाले दिनों च बहुत व्डे नंबर च पॉजिटिव रिजल्ट की असी गल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो आने दिनों बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट की गल होएगी करा, जो स्टूडेंट मिलना चाहते हैं जिन्हें रिफ्यूजल आए हैं 9413-9412 ते तुसी अपॉइंटमेंट बनाओ, वट्सएप करो, प्रोफाइल भेजो। कोई कन्फ्यूजन है, कोई कलैरिटी चाहिए है,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ info@landmarkimmigration.com ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲੋ। ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਜਸਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ।